अब आपके शहर सागर में सैनिटाइज और सीसीटीवी सुविधा के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। माँ के चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे, कोरोना फैल जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी और ये बीमारी पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाएगी। ये डर है सरकार को, ये डर है प्रशासन को, जनता की बहुत चिंता करती है। तभी तो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ा दिए। सरकार बहुत चिंता करती है जनता की। तो हम तो यही कहेंगे कि तीन उपचुनाव हैं, एक लोकसभा का भी उपचुनाव है। चार उपचुनाव में मध्य प्रदेश की सरकार जबरदस्त भीड़ जुटा रही है, यूपी में भी भीड़ हो रही है, तमाम जगह भीड़ जुट रही है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा। कल मध्य प्रदेश के सागर में हिंदू संगठनों ने आगाज किया था कि चल समारोह निकलेगा, माने निकलेगा, लेकिन प्रशासन और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेगी। क्यों? कि उन्होंने त्योहारों के नाम पर कान बंद कर लिए, ढाई ढाई पेज की गाइडलाइन जारी कर दी, कहा कि कोरोना फैलेगा, कोरोना सड़कों पर आ जाएगा, कोरोना कोहराम मचा देगा। वाह रे सरकार, वाह रे प्रशासन, शर्म बिल्कुल नाक में बची नहीं, सर में इतनी भी नहीं बची इन कमबख्तों को कि खुद भीड़ जुटा रहे हैं, वहां कोरोना नहीं फैल रहा और माँ के चल समारोह से कोरोना फैलेगा। हम फिर एक बार कहेंगे, किसी ने क्या खूब कहा है कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल है। जनता सब समझ रही है सरकार की। एक चीज और हम कहेंगे कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती। जुल्म करने वाले लोगों थोड़ा संभल जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं। तो हम फिर कहेंगे कि चल समारोह जनता की भावना है और अगर भावनाओं से खेला गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी सरकार जी। यही हमें कुछ संदेश जनता की तरफ से मिले। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज। तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप, यही है सरकार और प्रशासन का इंसाफ। भाजपा की सरकार और कांग्रेस, तीन विधानसभा के उपचुनाव और एक लोकसभा के उपचुनाव में रैलियां धड़ल्ले से कर रही है। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान तमाम कार्यक्रमों में भीड़ जुटाकर कार्यक्रम करते रहे, लेकिन दशहरा में माँ दुर्गा के चल समारोह से इन सरकार वालों को इनकार है। मध्य प्रदेश के सागर सहित कई जिलों में धर्म प्रेमी बंधुओं ने सरकार और प्रशासन के इस फैसले का जमकर विरोध किया है कि दशहरा का चल समारोह न रोका जाए। हिंदू धर्म के त्योहारों पर ढाई पेज की गाइडलाइन जारी करने वाली सरकार और उनकी नौकरशाही, तीन विधानसभा के साथ एक लोकसभा के उपचुनाव में भीड़ जुटा रही है, यही हाल कांग्रेस का है। लेकिन माँ के नव दुर्गा के चल समारोह में बैठी इस नौकरशाही को सनातन धर्म के त्योहारों से बड़ी दिक्कत है। अब कोरोना का ऐसा बहाना है कि उपचुनाव में जो भीड़ और नेता बिना मास्क के बैठ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, उससे कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता, यह गारंटी चुनाव आयोग ने ठप्पे के साथ कर दी है। लेकिन माँ का चल समारोह निकलेगा तो कोरोना फैल जाएगा, गणेश जी का चल समारोह निकलेगा तो कोरोना फैल जाएगा, ईद दिवाली हो ताजिया निकले तो सरकार और प्रशासन को ऐतराज है, धार्मिक आयोजन में कोरोना फैलता है। कुछ मीडिया के संस्थान भी पानी की शुद्धता का अभियान चलाते हैं। गणेश जी और माँ की प्रतिमा ऐसी बनना चाहिए, वैसी बनना चाहिए जिससे पानी प्रदूषित ना हो। पूरे शहर की गंदगी नदी नालों में जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई उद्योगों का अवशिष्ट कचरा नदी नालों में बहाया जा रहा है, उसमें मीडिया संस्थान कुछ लेख नहीं लिखती, उसे तो सिर्फ त्योहारों से परहेज है। त्योहारों में कुछ मीडिया संस्थान विशेष अभियान चलाते हैं,
लेकिन जब मूर्तियों की बात आएगी तो ज्ञान वाले अक्षरों से संपात की लिखी जाएगी। वजह है, प्रशासन ने उन्हें ऐसा लिखने को कहा है, उसमें पैकेज मिलता है। किसी भी धर्म का त्योहार आएगा, प्रशासन की बैठकें होंगी, गाइडलाइन तैयार होगी, पुलिस मार्च करेगी, व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा करेगी, ढिंढोरा पीटेगी। त्योहारों में दोहरे मापदंड क्यों? जनता से गुजारिश है कि उपचुनाव की भीड़ पर नजर रखें और प्रशासन के त्योहारों की जारी गाइडलाइन को आधार बनाकर चुनावों को बेहद नजदीकी से देखें और उसकी भीड़ की फोटो निकालकर कोर्ट में जनहित याचिका लगाएं। जनता की भावनाओं से बड़ा इस देश में कोई कानून नहीं, जनता के लिए ही कानून बनते हैं। अगर जनता कह रही है कि दुर्गा माँ का चल समारोह निकाला जाए तो फिर निकाला जाए, गाइडलाइन समान बनाई जाए, उसमें बेईमानी न की जाए। नहीं तो सरकार जी आप सुन लें, ऊपर वाले से ऊपर वाले की मार घलेगी और नीचे से जनता की वोट की मार झेलने के लिए अगर आप तैयार हो तो फिर बना दो तमाम गाइडलाइन। आप तैयार हैं तो जनता भी इस बार पूरी तरह तैयार है। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।